नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उस खास घटनाक्रम की जिसको लेकर के पूरी दुनिया में असर आ सकता है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन रसिया विवाद की। अब ये विवाद नहीं है, अब ये युद्ध की ओर चला गया है और रूस ने दावा किया है कि उसने तीन तरफ से यूक्रेन पे हमला कर दिया है और शहरों में या वहां की आबादी को निशाना बनाना उसका कोई मकसद नहीं है। और साथ ही यह भी कहा है कि हम हमारी आत्मरक्षा में ये अटैक किया है, ये युद्ध किया है और खासकर वहां किया है जो दो अलगाववादी प्रांत यूक्रेन के हैं जहां रशियन बोली जाती है और रूस हमेशा से उन्हें समर्थन करता रहा है। बड़ी बात यह है कि विश्व बरादरी पर इसका असर क्या पड़ेगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए हमला किया गया है। रूस का दावा है कि उसने एयरबेस एयर जहां पे सिस्टम संचालित हो वो एयरपोर्ट्स हवाई पट्टियां उन पर उसने हमला किया है और सटीक हमला किया है, आबादी को उसने निशाना नहीं बनाया। साथ ही यूक्रेन ने कहा है कि उसके पास फाइटर प्लेन और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। खैर, लेकिन युद्ध कहीं पे भी हम एक छोटी सी बात देखते हैं कि कहीं पे भी कोई घटना होती है, कहीं कोई झगड़ा भी होता है तो उसका असर पड़ोस पे पड़ता है और पड़ोसियों में निश्चित रूप से कोई भी शांति बहाली चाहेगा। अब उन विकसित राष्ट्रों की भूमिका का इंतजार है कि वो करेंगे क्या। हालांकि अभी स्विफ्ट ट्रांसफर्स पर बैन किया है, यानी कि हम लेन देन जिसे कहते हैं रूस में के जो व्यापारी हैं, ब्रिटेन ने कुछ व्यापारियों पे प्रतिबंध लगाया। खैर, लेकिन वो अस्थाई प्रतिबंध है जिससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि युद्ध के सदमे को भुलाया जा सकेगा। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में अमेरिका से हमारे साथ अजय सुराना साहब जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय सेना के रिटायर्ड एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर करमवीर सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। करोड़ी सिंह जी, ये एक इस तरह की घटना है कि जिसे कोई भी ये कहूं कि अप्रिशिएट तो कर ही नहीं सकता, जिसका किसी का हित हो, क्योंकि आज जो रशिया के साथ खड़े हैं चाहे चाइना हो चाहे दूसरे मुल्क हो, वह भी यही कहते हैं कि टेबल टॉक या फिर शांति बहाली की पहल करनी चाहिए, तो असर क्या पड़ेगा इसका? देखिए योगेंद्र जी, यह द्वितीय युद्ध के बाद की सबसे पहले इतनी बड़ी घटना है और घटना क्या है इसको मैं दुर्घटना कहूंगा। और आज जो स्थिति बन रही है वो द्वितीय युद्ध शुरू होने के पहले की स्थिति जैसी स्थिति बन रही है, तो इसके बहुत ही डिजास्टर्स परिणाम हो सकते हैं। कारण कुछ भी हो लेकिन जो परिणाम होंगे वो बहुत ही खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के पहले पूरे विश्व में आर्थिक संकट था और आज भी पेंडेमिक की वजह से और विभिन्न सरकारों की नीतियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संकट है और देशों के अंदर भी आर्थिक संकट की स्थिति चल रही है। सामाजिक तनाव बहुत से देशों में पनप रहा है और सामाजिक तनाव के साथ साथ राजनीतिक अस्थायित्व भी बन रहा है
और इन तीनों के कारण एक ऐसा राष्ट्रवाद पनप रहा है जिसको हम अति राष्ट्रवाद कह सकते हैं, जो कि द्वितीय महायुद्ध के पहले पनपा था। तो राष्ट्रवाद का जो स्वरूप हो रहा सभी देशों में, हर देश राष्ट्रवाद को रीइन्वेंट कर रहा है और अपने राष्ट्र को महान बनाने का प्रयास कर रहा है दूसरे की कीमत पे। तो ऐसी स्थिति में आज इस तरह का युद्ध का होना यह बहुत ही खतरनाक संकेत दे रहा है। ये महायुद्ध के रूप में मुझे नहीं लगता कि जाएगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज हैं वो युद्ध की विभीषिका से गुजर चुके हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि ये किसी विश्व युद्ध के रूप में परिणित हो। और इसीलिए नाटो ने शायद ये विचार करने का मानस बना रहे हैं, यूरोपियन देश नाटो में कह रहे हैं कि हमें विचार करना चाहिए कि हम नाटो का विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हैं, वो अभी भी नाटो पे दबाव बनाने में चले का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप के देश जर्मनी और फ्रांस ने अंतिम क्षण तक प्रयास किया, वो पुतिन से भी मिले, दोनों के जर्मन चांसलर और फ्रेंच प्रेसिडेंट और बाइडेन से भी मिले। उनका प्रयास ये था कि कूटनीतिक तरीके से किसी तरह समाधान हो जाए। लेकिन रशिया का जो कहने का है, रशिया ये कह रहा है कि हमारे बॉर्डर पे नाटो क्यों आ सकता है, क्योंकि अलायंस सिस्टम की अब क्या जरूरत है, कोल्ड वॉर की स्थिति नहीं है, रशिया किसी को खतरा नहीं है। तो नाटो का जो विस्तारवादी नीति है, नाटो का विस्तार करने की नीति है, ये सबसे बड़ा कारण है आज की स्थिति का। तो नाटो अगर ये घोषणा कर देंगे कि नाटो विस्तार नहीं कर रहा है, तो वहां पे कुछ शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, लड़ाई वही है, लड़ाई वही है, लड़ाई वर्चुअस की लड़ाई है, जिसे हम आम भाषा में मूछो की लड़ाई कहते हैं, वो वह रूप लेती जा रही है। रशिया ये बर्दाश्त नहीं करना चाहता कि यूक्रेन के जरिए नाटो वहां पे दखल दे या फिर पावरफुल बने। उसे ये महसूस होता है कि कभी कोई बात होती है तो शांति बहाली की जगह एक अशांति पैदा कर सकते हैं। मैं चलिए अजय सुराना जी के पास में जाना चाहूंगा, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लगता है आम अमेरिकन क्या सोचते हैं इस युद्ध को लेके? यहाँ पे जो अभी जस्ट प्रोफेसर साहब ने कहा कि कोई भी दुनिया जो है युद्ध के लिए तैयार नहीं है अभी जी। पैंडेमिक आप में एक युद्ध था और बहुत लंबा अभी भी चली रहा है पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया तैयार नहीं है युद्ध के लिए। और ये जो जो नया जो एक नेक्सस बना है, यहाँ के लोगों का जो ये है मेन थिंकिंग ये है कि यहाँ का जो अभी चाइना और रूस का जो नेक्सस बना है वो विश्व शांति के लिए ठीक नहीं है। और अगर आप हमारी राय ले तो हम ये बोलेंगे कि ये इंडिया के लिए भी ठीक नहीं है बेसिकली, क्योंकि चाइना को एक रिलायबल पार्टनर चाहिए था। चाइना को पाकिस्तान भी उसके पीछे है और दूसरे दो चार कंट्रीज हैं जो कि भारत के हित में भी नहीं है अच्छे। और ये जो ट्रेडिशनली जो भारत जो है वो रूस के साथ में ऑलवेज रहा है, और ये पूरा टूटने से एक काइंड ऑफ ए नया वैक्यूम क्रिएट हुआ है। इस सारी घटना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, लोगों में मतभेद है। मिस्टर जो पुतिन है वो बिल्कुल तैयार थे इसके लिए, तो ये इकोनॉमिक सैंक्शन और लोगों की ये राय बन रही है यहाँ कि ये बहुत कारगर नहीं है ये जो भी हो रहा है इकोनॉमिक सैंक्शन, और क्योंकि ये लोग कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं इस घटना के लिए जो आज हो रहा है, इसका प्रिपरेशन 5 साल पहले से ये कर रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया ये तैयार नहीं है अभी, और ये पूरी तरह से तैयारी करके आए हैं पूरे तरह से। तो ये अभी तो ये बड़ी छोटी घटना है, जो यूक्रेन है छोटा देश है, ये रूस का अभिन्न भाग था, और वो शुरू में ये जो बोलते थे कि भाई ये जो है नाटो का पार्ट ना बने और ना बने, ये सारी चीजें टेबल पे सुलझाई जा सकती थी, लेकिन टेबल से जो आगे ये बात गई है ये बहुत ही गंभीर घटना है दुनिया के लिए, विश्व शांति के लिए, और इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं। और मैं इनसे सहमत हूँ प्रोफेसर साहब से कि ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर टू के पहले का जो घटनाक्रम बना था, हिटलर में भी जो है शुरू में वो सैंक्शन और को लेकर के उसको कॉर्नर किया गया हिटलर को शुरू में, और ये वर्ल्ड वॉर बाद में ये रंग भेद और ये सारी चीजें बाद में आ गई जाति भेद और, लेकिन मेन जो शुरुआत जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी वहां मेन, क्योंकि वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल पावर हो चुका था जर्मनी, और उसको लोगों ने ब्रिटेन जो है कॉलोनियल पावर था उस समय, तो वेरी इजी फॉर ब्रिटेन, कोई सैंक्शन के बिना ही उनको रोक रखा था उसने। बड़े जो जो इकोनॉमिक जो कंट्रीज हैं चाइना इंडिया सब कॉलोनी थे अफ्रीका ब्रिटिश,
सो इट वॉज ए काइंड ऑफ सैंक्शन ऑन देम बेसिकली. तो ये एक बड़ा पैरेलल है. तो ये सैंक्शन क्या कारगर होंगे, आई वेरी मच डाउट. यही यहाँ का जनमानस अभी यूएस का, कि ये सैंक्शन क्या, ये बहुत पावरफुल थे, युद्ध में जाने की स्थिति नहीं है किसी भी कंट्री की अभी आज के दिन, और ये बिल्कुल से न्यूक्लियर पावर हैं दोनों के दोनों ही, है ना. सो युद्ध अगर आज के दिन जाते हैं, इट में एस्केलेट इनटू अ वेरी बिग वार. तो ये बड़े मतलब ये कहते हैं ना, शून्य की स्थिति बनी हुई है, राजनीतिक शून्य की स्थिति बनी हुई है अभी, कि किस तरह से ये जो नई घटनाक्रम उसको कैसे जो है हम ले. सर अब सबकी जो निगाहें टिकी हुई है अमेरिका के कदम पे टिकी हुई है, क्योंकि हम अगर यूएनओ की बात करें या सुरक्षा परिषद की भी बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है अमेरिका. लेकिन दोनों तरफ से जिस तरह से बयान जारी किए गए, और अभी बाइडेन के बयान के बाद जैसे सुबह अटैक किया उसके बाद में अपने देश को संबोधित करते हुए वीडियो जो चला पुतिन का, उसमें साफ कहा था कि कोई भी मुल्क ये दुस्साहस ना करे कि रशिया में वो अपना दखल दे सकता है, इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे. खैर देखिए, आम बोलचाल और ये बातें अलग होती हैं, लेकिन क्या बाइडेन किसी तरह का कोई इस तरह का रिस्क लेंगे कि युद्ध में यूक्रेन को ओपनली वहां जाके सपोर्ट कर सके? देखिए, प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं ये कह सकता हूँ 99% नहीं है जी, कि यूएस जो है यूक्रेन को लेकर के कोई युद्ध की स्थिति में आए और उनके साथ में आ जाए ऐसा, क्योंकि यूक्रेन आज के दिन नाटो कंट्री है नहीं, उसने आवेदन दे रखा है. लेकिन अगर ये अगर इस घटना के बाद में तुरंत बाद में अगर मान लीजिए पोलैंड और में एस्केलेशन होता है, ये होता है, तो तब ये बड़ी गंभीर घटना हो जाएगी और दैट मे ब्रीच द पीस. ये जो आज के दिन जो यूनिलेटरल जो है वो नहीं रह जाएगा उसके बाद. जी जी बिल्कुल. मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास में. मैं करमवीर जी आपके पास आना चाहूंगा. अमेरिका का जो जिक्र हम कर रहे हैं, बाइडेन के सामने एक बड़ी चुनौती रही अफगानिस्तान की, जो शांति बहाली के लिए वहां सेना भेजी हुई थी और उन्हीं के कार्यकाल में उसे विड्रॉ करना पड़ा समय से पहले वापस. हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये सारा समझौता 2020 में ही हो चुका था, फरवरी 2020 में, तो उसके तहत ये सब होना था, ये दोहा में ये सब चीजें चर्चा हो चुकी थी. लेकिन यहाँ क्या बाइडेन अब किसी तरह की कोई हिम्मत कर पाएंगे वहां पे, क्योंकि अफगानिस्तान से जिस तरह का एक मैसेज जाना चाहिए था वो गया नहीं, तो उसे देखते हुए अभी जैसे अजय सर ने कहा कि नहीं, और समझदारी में यही मानता हूं कि इसे शांति बहाली से कैसे भी करके जो कुछ आज तक हुआ, यानी कि गुरुवार 24 फरवरी तक जो कुछ हुआ उसे खत्म किया जा सकता है. चाइना ने भी अभी मैं बयान देख रहा था वहां सुरक्षा परिषद में, उनके जो राजदूत हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इस युद्ध को टाला जाना चाहिए, विश्व बिरादरी के लिए सबसे अच्छी पहल यही होगी. लेकिन सबकी निगाह वो अमेरिका पे टिकी हुई है, क्योंकि ब्रिटेन अपने बयानों में काफी मैं तल्खी और जल्दबाजी देख रहा हूँ, फ्रांस कोशिश कर रहा है कि कैसे भी टाला जा सकता है, जर्मनी अपनी ओर से वही पहल कर रहा है जो अभी अजय सर ने बताया. तो अमेरिका के स्टेप पे सबकी निगाहें टिकी हुई है कि वो क्या करेगा. जी बिल्कुल योगेंद्र जी, जैसा अभी सुराना जी ने कहा कि अमेरिका का चांस, क्योंकि 99% है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन में, हालांकि बैकग्राउंड बन रहा है और 3000 से ज्यादा अपने सिपाही जो उन्होंने भेजे भी हैं यूरोप के अंदर. और अभी जो बाइडेन का रिएक्शन आया जो रशियन जो असॉल्ट हुआ उसके बाद, उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं इमरजेंसी जो है G7 कंट्रीज हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और नाटो अलाइज पार्टनर से उनके साथ एक जो है डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और जो भी उचित होगा वो कदम है वो उठाया जाएगा. और अभी आपने भी जिक्र किया कि रशिया ने पहले ही वार्न कर दिया है कि कोई भी एक्सटर्नल पावर अगर हमारे इस मिलिट्री एक्शन में दखलंदाजी देती है तो उसके ऐसे परिणाम होंगे उसने कभी देखे भी नहीं होंगे, इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो उनको झेलने पड़ेंगे. तो रशिया, जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दौरान नाटो का एक बयान जारी हुआ है जिसमें कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और इसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं. जी बिल्कुल, लेकिन जवाब किस तरीके से दिया जाएगा ये भी देखने की बात है कि क्या नाटो फोर्सेस जो है वो यूक्रेन में दाखिल होंगी, कि यूक्रेन में जाकर के वो रशियन फोर्सेज से लड़ाई करेंगी, ये ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि फ्रांस का और जर्मनी का जो स्टैंड है वो बहुत ही डिफरेंट रहा है बाकी जो से. सो अभी तो ये देखने की बात है कि किस तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है कि नहीं होता है. या क्योंकि दूसरा आपने चाइना का भी जिक्र किया, चाइना सीधा सीधा इस चीज के लिए अमेरिका को ब्लेम करता है
किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप रशिया के जो ने जो अटैक किया यूक्रेन पे इसको कंडेम करते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा इसको लेकर। उन्होंने कहा कि क्या आप अमेरिका को कंडेम करते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में क्या बुरी हालत कर दी थी इसको लेकर। तो उन्होंने कहा कि पूरी जो आग लगाई हुई है यूक्रेन में उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, तो उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को ब्लेम कर दिया। तो चाइना को तो यहाँ एक मौका मिल गया है अमेरिका को डिफेंड करने का कि अमेरिका की वजह से ये हुआ। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्पोक्स पर्सन है उसने सीधे तौर पर कहा है कि जो म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए और सस्टेनेबल सिक्योरिटी होना चाहिए। उन्होंने कहा किसी भी कंट्री के जो रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न है उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने यहाँ पर रशिया को फेवर किया है कि नाटो का अगर विस्तार होता है यूक्रेन उसमें शामिल किया जाता है तो ये रशियन सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट होगा, खतरा होगा, और रशिया के जो रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न है उनका रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। अगर नहीं होगा उनका रेस्पेक्ट तो फिर यूक्रेन क्योंकि ये देखिए एक तरह से जो धमकी दी गई है नाटो तैयार किए हैं और 120 से ज्यादा जहाज तैनात किए हैं। अभी जो लेटेस्ट जो जानकारी नाटो चीफ की तरफ से आ रही है यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के पीएम का भी अपना बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये बोरिस जॉनसन ने कि ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं होगी। खैर लेकिन ये सब चीजें हैं, कोई भी किसी भी हम ये तो युद्ध है, किसी भी पड़ोस के लड़ाई को भी कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उसी को हर आदमी यही कहेगा कि अच्छी बात नहीं है। तो वही बात है, चाइना बेशक रूस के साथ दे रहा हो वो भी कह रहा है, भारत ने कहा है कि ये युद्ध टाला जाना चाहिए। चलिए जनरल साहब आपके पास आना चाहूंगा, यह एक युद्ध जो है छिड़ चुका है क्योंकि दोनों तरफ से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि युद्ध की भूमिका में आ चुके हैं, लेकिन ये बात अलग है कि कितने किसके कितने जवान हताहत हुए हैं इसमें। लेकिन ऐसे पोजिशन में भारत की भूमिका को लेकर मैं बात करूं या फिर विश्व के दूसरे मुल्कों की हम बात करें, क्या ऐसी पोजिशन बन सकती है कि एक बार युद्ध शुरू होने के बाद में उसे टाला जा सके या कुछ दिन हमें इंतजार करना होगा? देखिए योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा यूक्रेन का, क्योंकि ये लड़ाई जैसे किसी एक पुराने स्पीकर ने भी बताया कि 4-5 साल से ये तैयारी कर रहा था रूस। बिल्कुल, ये 1991 में यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस ली थी जब यूएसएसआर कट करके रशिया अलग अलग हो गए थे सारे देश, और तब से ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उन्होंने ऑप्ट किया था। काफी सारी पॉपुलेशन इसमें रशियन स्पीकिंग है और इंग्लिश तो बहुत ही कम लोग बोलते हैं। और फिर 2014 तक वहां जो गवर्नमेंट थी वो ऑलमोस्ट प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, और 2014 में वहां एक अनरेस्ट हुआ पब्लिक का और उस गवर्नमेंट को उन्होंने उठा के फेंक दिया, और जो अभी के राष्ट्रपति है जेलेंस्की उनको इलेक्ट किया या उसकी पार्टी को इलेक्ट किया। और उसी टाइम उसके एक दो महीने बाद रशिया ने उन पे अटैक करके और दो हिस्से जो क्रीमिया के एक पेनिनसुला है ब्लैक सी में उसको कब्जा कर लिया, और कुछ पार्ट डोनबास के थे वो उन्होंने रशिया के अंडर कर लिए। और उसके साथ साथ ही जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट थे वो डोनस्टेक्स में और लुसाक में उन रीजन्स में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी और अपने आप को एक पीपल्स रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। आपने दो दिन पहले सुना होगा कि पुतिन ने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अभी उनको मान्यता दे दी है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा चुभ रही है रशिया को रूस को वो है कि ये जो नाटो का इन्फ्लुएंस आ रहा है पोलैंड पे, हंगरी पे, लाटविया पे, इस सारे कंट्री जो रशिया को नेबर्स हैं उनके ऊपर ये नाटो के मेंबर बन चुके हैं। और जैसा कि बताया कि यूक्रेन ने पिछले साल जनवरी में नाटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है, अभी तक नाटो मेंबरशिप नहीं मिली है। नहीं कहा, ये सबसे बड़ी बात है जिसको रशिया इसको हजम नहीं कर सकता है, और इसके कारण वो 3-4 साल से ये तैयारी कर रहा है। और क्योंकि वहां पे उनके सेपरेटिस्ट और प्रो रशियन पॉपुलेशन में खास करके ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में काफी सारी पॉपुलेशन है जो प्रो रशियन है और रशियन भाषा बोलती है, अभी कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख के करीब फौजी उन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा रखे थे इस बहाने की हम एक टेक्टिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अभी 4-5 दिन पहले तक वो ये मना करते रहे कि हम लड़ाई करेंगे, हालांकि अमेरिका ने ये बता दिया था कि वो अटैक इमिनेंट है और वीक की बात नहीं है, 2-4 दिन में होने वाला है। जहां तक वर्ल्ड अभी ये जब उन्होंने हमला किया तो सबसे पहले उन्होंने आज सुबह तक भी लैंड फोर्सेस अंदर नहीं गए हैं, अभी भी हमला उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे है,
उनके जो एयर डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट है उनको डिस्ट्रॉय करना, उनके एयरपोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करना, और इसी तरह से कि जब उनके एयर अटैक हो या उनके ट्रूप्स आए तो वो उनका दखल अंदाजी बाई द एयरफोर्स ऑफ यूक्रेन इज मिनिमाइज्ड, ये उनका एम है। और इसी के साथ साथ अभी आज उन्होंने हमला बोल के पूरा बता दिया। जहां तक अमेरिका और नाटो और यूरोपियन यूनियन का सवाल है, सभी हेड्स ऑफ स्टेट्स के आप एक घंटे पहले नाटो के चेयरमैन ने फिर बोला है, कंडेम किया है, सब कुछ बोला है, पर यह बोला है कि अभी नाटो फोर्सेस को वहां ले जाकर के रूस पे हमला बोलने का अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। और यही बात इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बोली है कि ये बहुत बहुत बड़ा खतरनाक स्टेप होगा अगर हम अपने ट्रूप्स देख जाएंगे वहां पे। और दूसरी बात, ये दोनों सुपर पावर कभी ये नहीं चाहते कि ये जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी घटना है यूरोप में, जब दो देश आसपास आमने सामने भिड़े हैं, बाकी जगह इराक में, अफगानिस्तान में, इन सब जगह लड़ाई हुई है, परंतु ये यूरोप में एक दूसरे के खिलाफ ये पहली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी घटना है। जहां यूक्रेन भी कोई देश बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वो रशिया को छोड़ने के बाद यूरोप का, परंतु सबसे गरीब देश है यूरोप का। और जहां तक उनका मिलिट्री पावर का सवाल है, अकेला यूक्रेन रशिया के सामने ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत जी, मैं भारत का इन्वॉल्वमेंट, भारत का इंटरेस्ट बता रहा हूं। भारत ने अपने आप को इसमें न्यूट्रल रखा है, क्योंकि हमारे यूक्रेन के साथ भी रिलेशन ठीक है, और सबसे ज्यादा हमारी मिलिट्री हार्डवेयर हम रशिया पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। चाहे वो पूरे के, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो एडी गन्स हो, तो और अभी से नहीं, ये हमारा 62, 65, 71 पिछले 20-30 साल, 40 साल से हम एक बहुत अच्छी हमारी डिफेंस पार्टनरशिप है, और सारा का सारा हार्डवेयर हम उन्हीं से लेते हैं। हालांकि हमारा अमेरिका के साथ भी अभी रिश्ते अच्छे हो गए हैं, परंतु भारत ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे कि रशिया या अमेरिका हमारे खिलाफ हो जाए। पर अमेरिका का इस समय या नाटो कंट्रीज या यूरोप का फिजिकली आकर के रशिया में अपने ट्रूप्स को एंगेज करना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और जो उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ये इकोनॉमिक वैसा ही रूप से हैं, जैसे समय की परिस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से इनको विड्रॉ कर लिया जाएगा, क्योंकि ये बड़ी एक ऐसी है। और जैसे बातें कही जा रही हैं, निश्चित रूप से सबसे बड़ी जो ताकत होती है किसी भी मुल्क के पास में, वो चाहे नाटो के मेंबर्स हो या फिर दूसरे विकसित राष्ट्रों, आप फाइनेंशियल हैं या फिर दूसरे तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन वो प्रतिबंध को स्थायी रूप से नहीं है, या फिर कहें कि युद्ध के उन जख्मों को भर नहीं सकते। आप प्रतिबंध तो लगा सकते हैं, और बस बात यह है कि जैसे अजय सर ने कहा, आप लोगों ने सभी ने कहा कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक अहम की लड़ाई है। और नाटो की सक्रियता रूस के आसपास, उसके बॉर्डर एरियाज में जो नेबर कंट्रीज हैं उनके पास में ज्यादा मित्रता, वो रूस को बर्दाश्त नहीं है। और बर्दाश्त में सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़ी ताकतें होती हैं, वह इनसिक्योर भी काफी होती हैं कि इन फ्यूचर अगर कहीं कोई बात होती है तो सीधा हमला हमारे पर इस तरह से किया जा सकता है। वो बड़ी पैसे को, जो सबसे बड़ा अगर खर्च उनके बजट का होता है, तो वो डिफेंस सिस्टम पे होता है, वो अपने आप को मजबूत करते हैं। और मजबूती की वजह यह है कि हम बेशक शीत युद्ध के बाद में हम ये तो मान करके चलते हैं कि सब कुछ सामान्य, लेकिन सामान्य अभी भी नहीं है। विकसित राष्ट्रों की ये भूख कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं करोड़ सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, पेंडेमिक आज भी है और दुनिया इससे जूझ रही है, अर्थव्यवस्था सबकी तबाह हो चुकी है, उसके बीच यह युद्ध, हालांकि समझदारी इसी में है और अभी कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है या युद्ध की ओर आगे इन दोनों देश से आगे बढ़कर के आग और भी कहीं पहुंच सकते हैं, ये संभावना अभी भी मुझे दिखाई नहीं देती है। लेकिन क्या इसकी वजह से भी फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये मैं सवाल इस वजह से कर रहा हूं आपसे कि रशिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फ्यूल का, जिससे दुनिया के कई मुल्क लेते हैं, नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो क्या उस दिशा में असर पड़ सकता है? देखिए योगेंद्र जी, ऐसा है, पेंडेमिक के टाइम में भी विश्व समुदाय ने कोई ज्यादा सुदृढ़ता नहीं दिखाई। उसमें भी विश्व समुदाय विभाजित था, WHO में लेके चाइना और US का काफी कुछ विवाद था,
और फिर वैक्सीन को लेके भी, तो विश्व समुदाय को किसी भी महामारी से डील करने के लिए जिस तरह की सुदृढ़ता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई, इसलिए स्थिति और बिगड़ी है पेंडेमिक के बाद अर्थव्यवस्थाओं की, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं की। अब अगर सैंक्शन की बात रशिया पे की जा रही है, यूरोप के देश कर रहे हैं, अमेरिका कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब कह रहे हैं, तो लेकिन उस सैंक्शन से उन स्वयं देशों को भी तो नुकसान होगा, केवल रशिया को नहीं होगा, क्योंकि निश्चित रूप से पूरे यूरोप में एनर्जी का संकट शुरू हो गया है, ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो ऐसे सैंक्शन से जो सैंक्शन लगाने वाले देश हैं उनको भी नुकसान होगा। और इसमें मुझे लग रहा है कि भारत और चीन का अभी तक जो दृष्टिकोण है या जो स्टैंड है मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि भारत और चीन अभी तो अपने नागरिकों को वहां से उनकी खैर खबर ले रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राजदूत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत से ये कहा है कि आप हमें मदद कीजिए, इंटरवेंशन कीजिए, शायद उनको एक्सपेक्टेशन ये है कि भारत अमेरिका के भी नजदीक है, भारत रूस के भी है, इसलिए किसी तरह से दोनों को नजदीक लाके एक समझौते की तरफ बढ़ा जा सके, क्योंकि जो विकल्प है वो एक ही हो सकता है, डायलॉग और एंगेजमेंट, वार कभी विकल्प नहीं हो सकता। अगर वार को हम विकल्प बनाएंगे तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति होगी पूरे विश्व समुदाय के लिए। तो ऐसी स्थिति में भारत और चीन को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, और ऐसे समय आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का रशिया में होना भी किस चीज को और संकेत देता है, इसका अर्थ यह है कि जो सेंट्रल एशिया है उसमें भी पाकिस्तान की मदद से या दूसरे तरीकों से चीन और रशिया अपना दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि अमेरिका और नेटो आज पूर्वी यूरोप में है और कल हो सकता है सेंट्रल एशिया की तरफ भी कदम बढ़ाएं। तो ये चिंताएं बहुत हैं, सभी की अपनी अपनी चिंताएं हैं। तो चीन और भारत ने अभी तक ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं, चार्टर है, उनके तहत हमें काम करना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली के जनरल सेक्रेटरी जनरल ने भी ये कहा है कि स्थिति ज्यादा बदतर न हो उसके लिए सबको कदम बढ़ाना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी अफगानिस्तान में भी असहाय नजर आ रहा था और आज भी असहाय नजर आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारत और चीन को भी सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। वही सबसे बड़ी बात है कि यूएनओ भी अपनी वो जो ताकत जिसके लिए बनाया गया था शांति बहाली के लिए, ऐसी कोई एक रूलिंग फॉर्म बन सके जो सबको नियंत्रण में ले सके या सबको साथ लेकर के चल सके, लेकिन विकसित राष्ट्रों का अपना एक अंदाज है और वो अपनी मनमर्जी से चलते हैं। जब उनके खुद के स्वार्थ की बात आती है तो यूएनओ को ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। केवल विकासशील राष्ट्रों के लिए यूएनओ का प्रेशर हम कह सकते हैं, विकसित राष्ट्रों के लिए वो गौण होता दिखाई देता है। शायद ऐसा कुछ होता तो रशिया किसी भी माध्यम से टॉक कर सकता था, खुद मेंबर है, और यूक्रेन के साथ में उसके जो डिफरेंसेज हैं, और अगर वो जो बातें हम जिसका जिक्र कर रहे हैं नाटो को लेकर के, वह उसके लिए तो अमेरिका कभी उसके लिए तैयार नहीं होता कि नहीं हम हमारी ताकत क्यों कमजोर करें या फिर उसमें विड्रॉ क्यों करें या उसे सीमित क्यों करें। तो ये आज भी जो ताकत बढ़ाने की कहूं कि एक भूख जो है वही सबसे बड़ी कारण है कि आज नहीं तो कल ये चले यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात कर रहे हैं, नई इस तरह की चीजें और भी सामने आ सकती हैं। मैं अजय सर के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। सर, सबसे बड़ी जो बात है कि बाइडेन ने, वैसे तो देखिए जब साथ किसी मुल्क के खड़े होते हैं और खासकर रसिया और नाटो के जब सदस्य बनने की ओर पहले से तैयार है यूक्रेन, उसके आसपास के जो कंट्री हैं वो पहले से हैं, तो ऐसे में हम एक जो असर वाली बात होती है, क्या इसका कोई असर पड़ सकता है, या कहें कि अभी भविष्य की बातें हैं, कुछ दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा, इसका अभी तुरंत में कोई असर नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो असर आ रहा है लेकिन हम उसे स्थायी असर के रूप में नहीं देखते हैं, वह हवा से भी असर आता है। मेरे हिसाब से अगर जो भी घटनाएं अभी हो रही है उसमें रूस के जो अपने ऑब्जेक्टिव उन्होंने लगा रखे थे उसमें खाली एक ऑब्जेक्टिव हमारे हिसाब से उनका रह गया है कि वहां वो चाहते हैं कि यूक्रेन पे दबाव बना करके ये जो सारे जो एक्शन हो रहे हैं जो अभी क्रूज मिसाइल और से, बेसिकली वो कह रहे हैं देखो ये लोग कोई भी आएंगे नहीं तुम्हें बचाने के लिए, और ये चाहते हैं कि अगर तुम फुल फ्लेज वार नहीं चाहते हो तो हमारी पपेट गवर्नमेंट बना दो वहां पे। तो अगर ये होते ही शायद एक बार के लिए यूक्रेन में शांति हो जाएगी, और दिस इज देयर लास्ट ऑब्जेक्टिव लेफ्ट एज पर
जो हमारी जो ये जो घटनाक्रम जो देख रहे हैं उस हिसाब से हमारा चिंतन ये है। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना जो अभी हो सकती है, अगर आप पैरेलल ड्रॉ करो यूक्रेन और ताइवान में, तो दोनों में सिमिलर पैरेलल है। यूक्रेन इज ए स्प्लिट अवे नेशन ऑफ रूस एंड ताइवान इज ए स्प्लिट अवे। चीन वालों की पूरी निगाहें, एक डेढ़ साल से उन्होंने पूरी खुराफात कर रखी है वहां पे ताइवान में। तो ये घटना बहुत बड़ी घटने में तब्दील हो जाएगी। क्यों? लेकिन एक दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है दोनों कंट्रीज में, ताइवान इज ए हाईली मिलिटराइज्ड कंट्री, और चीन को ये क्यों मिल रहा है कि अभी ये सुपर पावर जो वर्ल्ड पावर है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो जा करके, जैसे यूक्रेन में वो नहीं आ सकते हैं तो वो ताइवान में भी नहीं आएंगे। इस तरह करके वो अगर ताइवान का मोर्चा खोल देते हैं इमीडिएटली, क्योंकि इनका एक नेक्सस बना है रूस और चीन का, विच इज अ वेरी अनहेल्दी फॉर द वर्ल्ड पीस। और अगर ये ताइवान में अगर होता है तो दिस वार इज नॉट गोइंग टू बी वार लाइक यूक्रेन। यूक्रेन तो बहुत गरीब और छोटी कंट्री है, अनमिलिटराइज्ड कंट्री है, कोई बहुत उसका लंबी हिस्ट्री नहीं है। लेकिन ताइवान जो है वो एक अलग ही कंट्री है, और ताइवान के मदद में अगर कोई आ सकता है, जापान आ सकता है, दैट में एस्केलेट द वार। तो ये सब जो ये जो अभी जो घटना हुई है इसका होपफुली कोई अच्छा समाधान निकल जाए यूएन और में, उसी में सबकी भलाई है। नहीं तो ये अगर एक बार ताइवान का मोर्चा खुल गया, या उसकी बहुत संभावना है क्योंकि जिस तरह से चीन वाले इसके साथ में कूदा है, तो उसके एम्बिशन बड़े क्लियर हैं कि वो किसी तरह जो है वो ताइवान को वापस ले ले अपने अंदर। और अगर ये वॉइड का फायदा उठाए कि अमेरिका अगर वहां नहीं जा सकता है तो ताइवान में भी नहीं जाएगा, है कि नहीं, और दैट में चेंज द होल सिचुएशन वर्ल्ड वाइड, तो ये इसकी संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक करमवीर जी आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह की स्फूर्ति या तत्परता अब दिखाई जा रही है दूसरे मुल्कों की तरफ से, क्या ये टाला जा सकता था? फिर ये कहें कि बिल्कुल मानसिक और फिजिकली दोनों तरह से तैयार था रसिया, सिर्फ एक समय का इंतजार कर रहा था और ये अटैक होना ही था। देखिए, टालने की काफी कोशिश भी की गई डिप्लोमेटिक लेवल पे। आप देखेंगे फ्रांस ने और जर्मनी जो है, दोनों मुल्कों ने काफी कोशिश भी की पुतिन से और बाइडेन से और यूक्रेन के प्रेसिडेंट से, उन्होंने मुलाकातें भी की, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि दोनों ही जो पार्टीज है वो अपने अपने स्टैंड के ऊपर बहुत ही क्लियर थी। रशिया इस चीज का पहले ही सिग्नल मैं दे चुका था कि नाटो का अगर मेंबर बनाया जाएगा यूक्रेन को तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अभी भी रशिया ने इसको वॉर नहीं कहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज जो इमरजेंसी मीटिंग हुई उसमें भी यूएन आत्मरक्षा की बात कही है उसने, एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, ये कोई वॉर नहीं है। और ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इट्स नॉट अगेंस्ट द यूक्रेनियन पीपल, इट्स अगेंस्ट द यूक्रेनियन रिजीम, तो काकी सरकार के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ नहीं है। हम लोग तो इसलिए कर रहे टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन। सो ये उन्होंने अपना मकसद बताया। सो डिप्लोमेटिक लेवल पे कोशिश भी हुआ, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है यहाँ रशिया और अमेरिका के बीच में, लेकिन होने के चांसेस हैं अभी भी। हालांकि इसको टाला भी जा सकता है, क्योंकि चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे दूसरे मुल्क हो, वो यूरोप के भी कई मुल्क ये कोशिश कर रहे हो, सबका ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले, तनाव को कम कर दिया किया जाना चाहिए और सभी पार्टीज को यहाँ पर संयम बरतने की जरूरत है। रशिया जो कि चाइना जो कि रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, उसने भी कहा है कि संयम बरतने की जरूरत है दोनों ही पार्टीज को यहाँ पर। तो कोई भी नहीं चाहता कि फुल फ्लेज्ड वॉर हो, क्योंकि वो सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे यूरोप में रहेगा। और जैसे सुराना जी ने कहा, ताइवान जो है वो भी इससे अंदाज नहीं रहेगा, और इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पर इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, वहां पर भी इसका दुष्परिणाम होने वाला है। क्योंकि अगर भारत खुलकर के अमेरिका का साथ नहीं देता है, क्योंकि अभी तक हमारी जो पॉलिसी, हम लोग पूरी तरह से कंप्लीटली एक डिप्लोमेटिक डायलामा में है। अमेरिका को ये पसंद नहीं है। यूक्रेन के एम्बेसडर जो इंडिया में, उन्होंने कहा कि वी आर कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड विद इंडियन पोजीशन, लोग हमारे मर रहे हैं, आप कह रहे हैं वी आर फॉलोइंग द सिचुएशन, तो ये उनका स्टैंड है। सो इंडिया को अगर ये लंबा चला ये वॉर है, तो इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा। और ऐसे में अगर हम रशिया के खिलाफ जाते हैं तो भी हमारे हितों के खिलाफ है, और हम अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो भी हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के वो खिलाफ होगा। इंडो पैसिफिक रीजन में इसका बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस उसमें शामिल है,
उसको जिस तरह से एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जो है बना है उसके ऊपर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखिए जेलेंस्की ने साफ कहा है कि हम यूक्रेनी और बहुत ताकतवर हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने देश को आश्वस्त भी किया अपने संबोधन में कि किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, रूस ने हमला किया है लेकिन हम उसका जवाब देंगे। चलिए जनरल साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए युद्ध की जब स्थितियां बनती हैं तो कई तरह की चीजें सामने आती हैं और हर मुल्क बड़ी संभावनाएं तलाशता है। अफगानिस्तान की स्थिति अलग थी, इराक की स्थितियां अलग थी, लेकिन ये एक पोजिशन अलग है क्योंकि इसमें सीधा नाटो का भी एक तरह से जुड़ाव है और कई संभावनाएं दूसरी तरह की भी आ रही है। तभी कहा जा रहा है कि दूसरों में भी आग पहुंच सकती है या कहीं इसकी लपटें आ सकती हैं। और जैसे भारत के साथ में बड़ी अजीब स्थिति है कि रशिया हमारा वर्षों से मित्र चला रहा है, जब अमेरिका से हमारे संबंध मधुर नहीं रहे तो रशिया से हमारे संबंध रहे। और जैसे आपने पहले भी फरमाया कि हमारे जो सामरिक महत्व की चीजें हैं उस पर हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है रशिया पर, तो ऐसे में हम किसी तरह का कोई रिस्क ले नहीं सकते। उधर अमेरिका दबाव डाल सकता है, हालांकि वो पोजिशन अभी आई नहीं है, उसकी हम संभावनाओं को लेकर के चर्चा बेशक कर सकते हैं लेकिन कुछ अभी फिलहाल नहीं दिखाई देती है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि यूक्रेन वो ताकत नहीं है? हम ग्राफिक के जरिए दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि किसके पास में क्या ताकत है, वह ताकत अभी है नहीं यूक्रेन के पास में। तो ऐसे लगता है कि बहुत लंबा चलने वाला युद्ध नहीं, अगर युद्ध एक दिन का है तो आगे कुछ दिन चल सकता है लेकिन आखिर रास्ता शांति बहाली होगा, उसी के बाद में ही सब कुछ शांत हो सकता है। जैसा कि आपने बताया योगेंद्र जी, यूक्रेन की एज ए मिलिट्री पावर रशिया के सामने कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और अगर किसी दूसरे नाटो कंट्रीज ने या यूरोप यूनियन या किसी और ने इंटरवीन नहीं किया तो अकेला रूस यूक्रेन को बहुत ही जल्दी अपने कब्जे में कर लेगा। हालांकि इसमें काफी सारा नुकसान होगा। और जहां तक जेलेंस्की प्रेसिडेंट का सवाल है, हर एक राष्ट्रपति अपने देश के वासियों का मोरल ऊपर करने के लिए, अपने फौज का मोरल ऊपर करने के लिए हमेशा बोलेगा हम तैयार हैं और हम डरते नहीं हैं। और एक झूठी खबर, जो इसलिए झूठी बोल रहा हूं कि उनके साथ हवाई जहाज गिरा दिए, इतनी ताकत नहीं है इतनी बड़ी कि सात हवाई जहाज पहले दिन वो उनके गिरा दें और रशिया आराम से बैठा रहे। ये चीजें ऐसी हैं जो छुपी नहीं रहती हैं। तो ये सिर्फ बातें कि उनके एक हेलीकॉप्टर गिरा दिया, ये गिरा दिया, और आपने ये भी देखा होगा मीडिया में कि उनके सिविलियंस को ट्रेन किया जा रहा है राइफल लेके पिस्टल लेके, जब सामने से आर्मर्ड कॉलम्स आएंगे मैकेनाइज फोर्सेज आएंगे तो ये लोग उसके सामने नहीं टिक सकते। आप आदमी को खड़ा नहीं कर सकते एक गन दे करके एक टैंक को बर्बाद करने के लिए। उनका बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो अकेला कर पाएंगे। पर और जो सैंक्शंस हैं, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस से भी आप रशिया को डिटर नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है कि आपने उनको इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी। और जैसा कि आपने खुद ने बताया कि हमारी कि रशिया की गैस और पेट्रोल की जो रिक्वायरमेंट है यूरोप की, वो काफी सारी रिक्वायरमेंट रशिया से आती है, तो रशियन कंट्रीज को खुद को नुकसान होगा ऐसा कुछ करेंगे तो। जी बिल्कुल निश्चित रूप से सर, यही एक है कि पूरी दुनिया यही चाहती है कि शांति बहाली होनी चाहिए। और क्योंकि यूक्रेन और उनके बीच पहले कुछ दिन पहले ये बात थी कि अहम की लड़ाई है और दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि यूक्रेन की वह ताकत नहीं है जो रशिया के सामने एक लंबे समय तक युद्ध कर सके बिना किसी दूसरे मुल्कों के सपोर्ट के। यूरोपियन यूनियन के कंट्री जो हों या फिर अमेरिकन सपोर्टेड जो वहां नाटो से जुड़े लोग हैं वो हो, उसके बिना वो युद्ध करना बहुत मुश्किल है। हालांकि तल्खियां बयानबाजी ये सब कुछ चलते हैं, ऐसे में सामने वाले के वजन को भी सतोलने की कोशिश की जाती है कितनी ताकत है उसमें। लेकिन मुझे लगता नहीं है टैंक्स और जब आप एयर स्ट्राइक होती है तो उसके सामने धमकियां बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं जब तक आप आपस में बैठ के चर्चा ना करें। चले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.